सो हाई एवरी वन एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल. तो आई होप यू गाइज आर अवेयर टिल नाउ दैट द डेट्स ऑफ नोटिफिकेशन आर नाउ आउट एंड नेक्स्ट वीक ऑन 25th ऑफ अप्रैल द नोटिफिकेशन विल गेट पब्लिश इन ऑल द लीडिंग न्यूज पेपर एंड उसके एक हफ्ते बाद वेबसाइट पे नोटिफिकेशन अवेलेबल होगा, राइट. सो आई होप आप सबने कल अनुप सर के साथ लाइव क्लास में वीडियो जो हुई थी, सर ने जो बनाई थी वो आपने देखी होगी. And you guys have all the information. तो उस पर मैं नहीं जाऊंगा. Rather, in this video, I'm gonna talk about that अगले दो तीन महीने में, in the next 2-3 months, once the notification is out, what we are going to cover, हम आप लोगों को क्या क्या पढ़ाने वाले हैं on YouTube and for the enrolled student, उसकी बात मैं करूंगा. आप लोगों को सर ने बताया होगा that I'll be coming with some timetable, ठीक है. तो ये वही timetable है, ठीक है. तो मैं इस टाइम टेबल में आई एम गोना टेल यू दैट व्हाट ऑल वी आर गोइंग टू टीच यू, ठीक है, इन द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स, ठीक है. बट ये चीज मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि दिस टाइम टेबल इज बोथ, आई मीन फॉर यूट्यूब स्टूडेंट्स एज वेल एंड फॉर एनरोल स्टूडेंट्स एज वेल. बिफोर फेज वन वील बी कवरिंग द थिंग्स ऑन यूट्यूब एंड फॉर एनरोल स्टूडेंट बोथ, ठीक है. बट आफ्टर फेज वन वील बी फोकसिंग एक्सक्लूसिवली ऑन द एनरोल स्टूडेंट, ठीक है. और ये जो YouTube वाला टाइम टेबल है ये मेजरली फोकस करेगा करंट अफेयर्स के ऊपर और गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर, विच कंसिस्ट ऑफ यू नो अ मेजर पार्ट ऑफ द आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन, ठीक है. एंड यस, फॉर द ऑल द एनरोल स्टूडेंट, जितने भी एनरोल स्टूडेंट है, वी आर गोइंग टू लॉन्च मेंटोरशिप प्रोग्राम जिसमें हम हर हफ्ते के आपको कुछ टारगेट्स देंगे और उसके लिए भी एक स्पेसिफाइड और डिटेल टाइम टेबल क्रिएट होगा, ठीक है. तो उस मेंटोरशिप प्रोग्राम में गाइज विल बी सिटिंग विद यू एंड हफ्ते में एक बार हम आप लोगों के साथ बैठेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या एरियाज में आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है और कैसे उन प्रॉब्लम्स को रिजोल्व किया जा सकता है. एंड दिस वी आर लॉन्चिंग बिकॉज वी वॉन्ट कि आपका एग्जाम जो है वो क्लियर हो और आपको जल्द से जल्द नौकरी मिले और आप हमारी जान छोड़, ठीक है. या डोंट टेक इट अदरवाइज. तो बस दी ऑब्जेक्टिव इज दिस ओनली कि आप जल्दी से जल्दी आरबीआई तक पहुंचो, ठीक है. तो उसके लिए एक स्पेशल मेंटोरशिप प्रोग्राम है जो कि हमने लॉन्च कर दिया है, जो ऑलरेडी एनरोल स्टूडेंट है उनको भी मिलेगा और जो अभी इन फ्यूचर एनरोल करेंगे फॉर दिस 2023 एग्जामिनेशन उनको भी मिलेगा, ठीक है. तो उसके लिए एक सेपरेट टाइम टेबल होगा, ठीक है. सो दैट विल बी यू नो डिस्कस्ड इन वेरी नियर फ्यूचर, ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस टाइम टेबल. दिस टाइम टेबल इज दैट, मैं फिर से बता दूं, ये वो टाइम टेबल है जो कि हम अगले 2-3 महीने में YouTube पे और एनरोल स्टूडेंट के साथ फॉलो करेंगे, हम उनको पढ़ाएंगे, ठीक है. इसके अलावा भी आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी होंगी ऑफकोर्स, क्योंकि ये तो एक यू नो मेजरली फोकस करेगा ये करंट अफेयर्स के ऊपर और आंसर राइटिंग के ऊपर. तो चलो मैं आपको दिखा देता हूं एक बार क्या क्या चीजें इसमें हम कवर करेंगे, देन यू विल गाइज हैव एन आइडिया, ठीक है जी. तो इसमें मेजर फोकस अभी पहले हम रखेंगे फेज वन के ऊपर, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश और जीए, और जीए में वी विल बी कवरिंग गवर्नमेंट स्कीम्स, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे एज वेल, ठीक है. तो यहाँ पे ये टाइम टेबल है. नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि भाई इसमें डेट तो है ही नहीं, कब होगा. तो डेट वाला टाइम टेबल आपको पूरा डिटेल में, डेट एंड डे वाइज टाइम टेबल, इसी में बस मैं डेट लगा दूंगा, राइट. दैट विल बी गिवन टू यू वंस द नोटिफिकेशन इज आउट, बिकॉज वी डू नॉट नो करंटली द एग्जाम डेट्स, ठीक है. अभी एग्जाम डेट्स हमारे पास फाइनल नहीं पता है. तो जब नोटिफिकेशन आ जाएगी 25th को न्यूज पेपर्स में, उसमें एग्जाम डेट्स होगी, देन डेट के साथ ही आपको टाइम टेबल मिल जाएगा, ठीक है. और दूसरी चीज ये है कि या चलो, तो अब इस टाइम टेबल में देखो, आपको मैं बता देता हूं कि क्या क्या चीजें कब कब कवर होंगी. क्लासेस होंगी ये लाइव, पहली बात तो ये सारी की क्लास, सारी क्लासेस होंगी लाइव क्लासेस, ठीक है, यूट्यूब पे भी और एनरोल पे भी. नंबर वन, सारी क्लासेस का टाइम होगा 6 PM. सारी क्लासेस का टाइम क्या होगा? 6 PM, बिकॉज मोस्ट ऑफ दी वर्किंग प्रोफेशनल्स विल गेट फ्री एट दिस टाइम. 6 बजे सारे वर्किंग प्रोफेशनल आप में से जो होंगे वो फ्री हो जाएंगे, ठीक है. तो देखो, सबसे पहले चेतन सर स्टार्ट करेंगे विद क्वांट शॉर्टकट्स, ठीक है. ये वाला कॉलम पूरा यूट्यूब के लिए, ये वाला कॉलम एनरोल स्टूडेंट्स के लिए. और ऑफ कोर्स एनरोल स्टूडेंट विल बी गेटिंग दीज वीडियोस इन देयर कोर्स एज वेल, उनको मिलेगा ही, ठीक है. तो एनरोल्ड के लिए सब कुछ है और यूट्यूब वालों के लिए सिर्फ ये वाला कॉलम है, राइट. सो क्वांट के शॉर्टकट्स पढ़ाएंगे, ही विल बी टेकिंग द क्वांट शॉर्टकट्स थ्रू क्वेश्चंस, टॉपिक बाय क्वेश्चंस वो उठाएंगे और उसमें आपको वो शॉर्टकट्स बताएंगे कि कैसे यू गाइस कैन सॉल्व द क्वेश्चन, यू नो बहुत जल्दी से कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. देन नेहा मैम विल टेक ओवर द स्पॉटलाइट, वी विल बी स्टार्टिंग दिस क्लासेस ऑफ स्पॉटलाइट फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल, बिकॉज मई में नोटिफिकेशन आएगा. मई में मतलब मई से हम लोग मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द 1st और 2nd में, तो वो स्टार्ट करेंगे अप्रैल से.
अप्रैल का पार्ट वन, एक महीने की स्पॉटलाइट दो क्लासेस में कवर होंगी, ठीक है, एंड इट विल हैव अराउंड 200 क्वेश्चंस टोटल, 100 क्वेश्चन एक क्लास में, 100 क्वेश्चन दूसरी क्लास में, 100 क्वेश्चन इन ईच क्लास. सो स्पॉटलाइट अप्रैल पास्ट पार्ट वन. देन आई विल बी टेकिंग द क्लास ऑन गवर्नमेंट स्कीम्स. तो गवर्नमेंट स्कीम्स की क्लासेस कैसे होंगी मैं बता देता हूं. आई विल बी टेकिंग द क्लास थ्रू क्वेश्चंस. लेट्स से प्रधानमंत्री जनधन योजना है, तो आई विल फ्रेम अ क्वेश्चन ऑन प्रधानमंत्री जनधन योजना. आई विल रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, देन आई विल लेट यू गाइज टू आंसर दैट क्वेश्चन. और इन द मीन टाइम मैं आपको पूरा प्रधानमंत्री जनधन योजना बता दूंगा, ठीक है. तो गवर्नमेंट स्कीम्स की क्लास अटेंड करोगे ध्यान से, अपने साथ पेपर पेन लेके बैठोगे तो गवर्नमेंट स्कीम्स हो जाएंगी, राइट. देन अगेन चेतन सर रीजनिंग के शॉर्टकट्स वो आपको बताएंगे थ्रू द क्वेश्चंस, दैट हाउ यू कैन सॉल्व द रीजनिंग क्वेश्चंस इन अ क्विक मैनर. देन नेहा मैम आ जाएंगी वापस से स्पॉटलाइट का अप्रैल सेकेंड पार्ट कवर करने के लिए, ठीक है. और एनरोल्ड में भी हम आएंगे. चलो पहले मैं यूट्यूब का बता देता हूँ. चेतन सर फिर से आ जाएंगे आपके पास क्वांट के शॉर्टकट्स लेके. नेहा मैम विल अगेन कम विद मार्च पार्ट वन स्पॉटलाइट, ठीक है. चेतन सर रीजनिंग शॉर्टकट्स वो आपको समझाएंगे. मनीष सर मैं आ जाऊंगा फिर से आपके पास बजट के क्वेश्चंस लेके, बिकॉज वी ऑल नो यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से दो तीन क्वेश्चंस तो आते ही है, ठीक है. तो बजट के हम करीब 25-30 क्वेश्चंस कर लेंगे जिसमें द एंटायर बजट विल बी कवर्ड. आप में से किसी ने अगर बजट नहीं देखा है तो यू गाइस कैन वॉच द बजट क्लास विच आई हैव टेकन. जिस दिन बजट आया था उसी दिन मैंने ले लिया था, तो आप वो देख सकते हो पहले, तो फिर आपको इस क्लास में बैठने में आसानी होगी. देन आई विल अगेन कम विद द सेकंड क्लास ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है. गवर्नमेंट स्कीम्स की क्लास, अब इनमें एक चीज मैं बता दूंगा कि गवर्नमेंट स्कीम्स पार्ट वन में कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज कवर होंगी ये मैं बता दूंगा आप लोगों को, डोंट यू वरी. तो आपको इन क्लासेस में उन मिनिस्ट्रीज की स्कीम को पढ़ के आना होगा, ठीक है. उसके बाद चेतन सर विल अगेन टेक द क्वांट शॉर्टकट्स, राइट. फिर नेहा मैम आ जाएंगी मार्च की स्पॉटलाइट पार्ट टू लेके, चेतन सर रीजनिंग शॉर्टकट्स, नेहा मैम अगेन स्पॉटलाइट फेब्रवरी पार्ट वन, ठीक है. चेतन सर विल अगेन कम विद द क्वांट शॉर्टकट्स. इतने शॉर्टकट्स, इतनी चीजें चेतन सर आपको बता देंगे क्वांट और रीजनिंग में कि आपका जो फेज वन का जो फियर है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाए, राइट. आई विल बी टेकिंग द क्लास ऑन इकोनॉमिक सर्वे. इकोनॉमिक सर्वे के लिए दो क्लास रखी हुई है वैसे, बट आई विल ट्राई कि मैं एक ही क्लास में खत्म कर दूंगा, बट अभी दो क्लास रख दी है ताकि यू नो कभी कभी होता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हो जाते हैं. देन अगेन गवर्नमेंट स्कीम्स पार्ट थ्री विल बी टेकन बाय मी. मिनिस्ट्रीज बता दी जाएंगी कि कौन से क्लास में कौन सी मिनिस्ट्रीज की स्कीम हम कवर करेंगे, तो आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है. चेतन सर रीजनिंग शॉर्टकट, तो इस तरीके से YouTube चलता जाएगा, ठीक है. और स्पॉटलाइट जो है हम जनवरी तक कवर करेंगे और उसके बाद वापस आ जाएंगे मई पे, क्योंकि तब तक एक महीना बीत चुका होगा, राइट. आई होप दिस इज क्लियर. जनवरी पार्ट टू और उसके बाद हम वापस आ जाएंगे मई पे, मई पार्ट वन पार्ट टू, और उसके बाद फाइनली वी विल बी कवरिंग द स्पॉटलाइट जून. तो जनवरी से लेकर जून तक का आपका स्पॉटलाइट कवर हो जाएगा through these revision classes which will be taken for the spotlight specifically by Neha ma'am. And government schemes ki total class rahengi 8, theek hai. There will be 8 classes of government scheme in which I'll be taking around 400 to 500 questions. 400 se 500 question main lunga jisme jitni bhi schemes main aapko kara sakta hu, jitni bhi schemes ke chances hai exam mein aane ke, wo sab ke sab cover ho jayengi. And you can imagine 400-500 question jab karoge to kya aapko lagta hai ki aapko government schemes kahin aur जाना पड़ेगा, ठीक है. आप पिछले साल की क्लासेस उठा के देख लो, जिस तरीके से मैंने कवर कराया है उसी तरीके से कवर होगा सारी स्कीम. भले ही मैं आपको एक एक पॉइंट वर्ड टू वर्ड नहीं समझा रहा, लेकिन उन क्वेश्चंस के थ्रू भी आपका गवर्नमेंट स्कीम्स कवर हो जाएगा पूरा, अगर आप पेन और पेपर लेके मेरे साथ बैठोगे तो, राइट. ठीक है, उसके बाद क्वांट और रीजनिंग के लाइव टेस्ट हम लोग कंडक्ट करने की सोच रहे हैं. पिछली बार भी हमने किया था, इस बार भी वी आर थिंकिंग दैट क्वांट और रीजनिंग के लाइव टेस्ट will be conducted on YouTube for you guys. दो घंटे आप लोग बैठेंगे, टेस्ट लिखेंगे हमारे सामने, चेतन सर आपके साथ होंगे उन दो घंटे में. दो घंटे के बाद फिर वो टेस्ट आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, ठीक है. दिस विल बी द होल आइडिया ऑफ दिस क्वांट रीजनिंग लाइव टेस्ट, ऑलराइट. उसके बाद हम आ जाते हैं बिल्कुल एग्जाम के पास. जब एग्जाम में एक हफ्ता बचेगा, देन विल बी टेकिंग दी महामैराथॉन्स, जिसमें 6-7 घंटे की क्लासेस होंगी. अब तीन एरियाज हैं जहां पे महामैराथन कंडक्ट होंगे, दैट इज PIB 247, RBI 247 एंड स्पॉटलाइट, ठीक है. तो सबसे पहले कर्णिमा मैम विल बी टेकिंग दी RBI 247 महामैराथन. तीन महीने का उसमें जो कंटेंट है वो कवर होगा, टोटल 6 महीने. दूसरी क्लास में दूसरे 3 महीने अगेन वही रहेगा, जनवरी टू जून का पीरियड, ठीक है. देन आई विल बी टेकिंग दी महामैराथन ऑन PIB 247 3 मंथ्स ईच क्लास, दो क्लासेस होंगी.
एंड देन फाइनली मी नेहा मैम एंड कर्णिमा मैम विल बी टेकिंग अ महामैराथन ऑफ 1000 क्वेश्चंस व्हिच विल कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम स्पॉटलाइट फ्रॉम पीआईबी एंड आरबीआई 247। ये 1000 क्वेश्चन की क्लास सुबह से शाम तक चलेगी आप लोगों की, जिसमें हम 1000 क्वेश्चंस कवर करेंगे फ्रॉम स्पॉटलाइट पीआईबी एंड आरबीआई 247 एंड दीज विल बी द बेस्ट क्वेश्चंस जिनके चांसेस ज्यादा होंगे एग्जाम में आने के, ठीक है जी। और उसके बाद आपका आरबीआई का फेज वन एग्जाम आ जाएगा, तो ऑल दीज थिंग्स विल बी कवरिंग ऑन यूट्यूब, ठीक है। तो आई थिंक फेज वन के लिए तो इतना बहुत रहेगा आप लोगों के लिए। नाउ एनरोल स्टूडेंट पे अगर मैं आऊं तो एनरोल स्टूडेंट की क्वांट की रिवीजन क्लास चल रही थी, क्वांट और रीजनिंग की, चेतन सर विल बी कंटिन्यूइंग फ्रॉम देयर, ठीक है। और क्वांट और रीजनिंग की जो लाइव क्लासेस एनरोल स्टूडेंट के लिए चल रही थी वो कंटिन्यू रहेंगी, 5 क्लासेस क्वांट की होंगी, उसके बाद रीजनिंग की आ जाएंगी ताकि आप लोगों का मतलब आप लोग बोर ना हो जाए, देन अगेन क्वांट एंड देन अगेन रीजनिंग। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि क्या बिफोर फेज वन हमें यही करना चाहिए या हमें फेज टू पे भी फोकस करना चाहिए। तो देखो यार, कल अनु सर ने भी आप लोगों को बताया था दैट बिफोर फेज वन इन द इनिशियल 10-15 डेज ऑफ पीरियड यू शुड फोकस ऑन फेज टू एज वेल, ठीक है। अगर आप लोगों का फेज टू बिल्कुल तैयार है, आप लोग मतलब प्रो मैक्स हो चुके हैं ESI और FM में, देन तो आप फेज वन पे पूरी तरीके फोकस करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं देयर इज अ नीड ऑफ रिवाइजिंग द स्टाफ, देन यू शुड गो फॉर इनिशियल 10-15 डेज फॉर फेज वन एंड फेज टू बोथ, ठीक है। और फेज वन और फेज टू करंट अफेयर्स तो हम लोग यहाँ पे कवर कर ही रहे, ठीक है। एंड मेंटोरशिप प्रोग्राम याद रखेंगे, इससे अगर आपको लगता है कि आप मतलब इतने से आपका फेज वन तो क्लियर हो जाएगा, फेज टू के लिए ऑफकोर्स आपको अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा। एनरोल स्टूडेंट को हम ऑलरेडी क्लासेस लाइव क्लासेस ले चुके हैं फॉर द 2023 बैच, एंड नॉट ओनली लाइव क्लासेस, कंटेंट की रिवीजन भी करा चुके हैं, सारे सब्जेक्ट्स का ESI FM गवर्नमेंट स्कीम सबका रिवीजन हो चुका है, ठीक है। अभी आप लोगों को क्या करना है, मेंटोरशिप प्रोग्राम में आप लोगों को बताया जाएगा, और अभी आपके पास जो कंटेंट है उसको पढ़ना शुरू कर दो। और जो आपको एक प्लानर दे रखा है हमने, एक कैलेंडर दे रखा है एनरोल स्टूडेंट को दे रखा है कि नहीं, उसका इस्तेमाल करो, नाउ इज द राइट टाइम टू यूज दैट प्लानर, ठीक है। इसके बाद फेज वन हो जाएगा, फेज टू पे फिर हम आएंगे जिसमें हम सारे पूरा का पूरा फोकस रखेंगे आंसर राइटिंग के ऊपर, क्योंकि तब तक आई बिलीव आप लोग सारी चीजें पढ़ चुके होंगे। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो होगा आंसर राइटिंग। पिछले साल जब हमने आंसर राइटिंग के सेशन कंडक्ट करे थे, वी गॉट सम ब्यूटीफुल रिजल्ट्स, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा था हमारा। एंड इस बार आंसर राइटिंग सेशन और मेंटोरशिप प्रोग्राम के साथ हम चाहते हैं कि और अच्छा रिजल्ट हो, आप लोगों ज्यादा से ज्यादा लोग जो हमारे एनरोल स्टूडेंट है उनमें से लोग पास हो। सो दिस इज द फेज टू टाइम टेबल विच विल बी टेकन यू नो आफ्टर फेज वन। तो गुलाबसा मैम, तो इसमें क्या क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। इसमें फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की आंसर राइटिंग होगा थ्रू लाइव टेस्ट, ठीक है। एवरीथिंग विल बी डन थ्रू लाइव टेस्ट ओनली। ESI आंसर राइटिंग प्रैक्टिस थ्रू लाइव टेस्ट, ठीक है, जैसा आपको एग्जाम में टेस्ट मिलता है बिल्कुल वैसा ही। एंड इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव लाइव टेस्ट, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव लाइव टेस्ट बिल्कुल वैसा जैसा आपको एग्जामिनेशन में मिलता है, 1.5-1.5 घंटे जितने होते हैं उतना ही होगा, ठीक है। 5 टेस्ट ऑफ ESI, 5 टेस्ट ऑफ FM एंड 5 टेस्ट ऑफ इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, टोटल 15 लाइव टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर एनरोल स्टूडेंट, और साथ ही साथ लाइव इवेल्युएशन भी होगा वहां पे, ठीक है। सो FM एंड NM आंसर राइटिंग लाइव टेस्ट 1-4 क्वेश्चंस इन 90 मिनट्स यू गाइस हैव टू डू, जो कि आपको एग्जाम में करने ही होते, एंड लाइव इवेल्युएशन विल ऑल्सो बी डन, ठीक है। ऑन यूट्यूब विल बी कंडक्टिंग 1-1-1 ईच इंग्लिश ESI एंड FM यूट्यूब के ऊपर जाएगा, बाकी जितने भी 15 हैं वो सारे के सारे किसके पास जाएंगे, एनरोल स्टूडेंट के पास जाएंगे, एक्सक्लूसिवली फॉर दी एनरोल स्टूडेंट। और एनरोल स्टूडेंट चाहे क्रैश कोर्स वाला हो या फिर पुराना हो, सबके लिए होगा ये। बार बार पीपल आर आस्किंग दिस क्वेश्चन कि पुराने लोगों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा भाई, डेफिनेटली मिलेगा। आप लोगों को दोबारा से कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, इफ यू आर ऑलरेडी एनरोल्ड इन दी कोर्स यू गाइज डोंट हैव टू बाय दैट क्रैश कोर्स, आपको ये सारा का सारा कंटेंट मिलेगा, ठीक है, डोंट यू वरी अबाउट दैट। ओके, इंग्लिश लाइव राइटिंग टेस्ट एंड लाइव इवेल्युएशन विल बी डन विल बी टेकन बाय मी। FNM का गुलाबसा मैम और पारुल मैम दोनों मिलके लेंगे, राइट। ESI आंसर राइटिंग लाइव टेस्ट एंड इवेल्युएशन अगेन विल बी टेकन बाय मी, ठीक है। सो 15 टेस्ट ऑफ ESI, 15 टेस्ट ऑफ इंग्लिश, 15 टेस्ट ऑफ फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, ऑल दीज थिंग्स विल बी टेकन, ठीक है। ये पूरा का पूरा लाइव टेस्ट होगा, लाइव इवेल्युएट भी होगा वहां पे, राइट। तो ये पूरा टाइम टेबल है फॉर द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स फॉर बोथ यूट्यूब एंड एनरोल्ड पीपल। एनरोल्ड लोगों को हमने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें करा रखी हैं, तो अगर आप लोग ढंग से पढ़ रहे हो अभी तक,
रिवीजन क्लास भी हुए हैं, रिवीजन क्लासेस में बहुत ही डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे हैं गुलाब सा मैम ने, पारुल मैम ने और मैंने, ESIFM और ESI फाइनेंस और मैनेजमेंट के गवर्नमेंट स्कीम्स भी हमने रिवाइज कर लिया है। तो सो दिस इज द टाइम टेबल विच यू आर गोइंग टू फॉलो फॉर द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स। इसमें डेट के साथ आप लोगों को टाइम टेबल मिल जाएगा, ठीक है, डेट के साथ आप लोगों को टाइम टेबल मिल जाएगा वंस द डेट्स आर आउट, बिकॉज अभी डेट्स आउट नहीं हुए थे। बट सम पीपल वर आस्किंग, कुछ लोग कल रात से ही मांगने लग गए टाइम टेबल। तो देखो डरो मत, पहली चीज तो ये है, दिस इज नॉट द टाइम टू बी पैनिक, इस समय पैनिक मत हो, नोटिफिकेशन ही तो आया है भाई, आप लोग ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो, ठीक है, आप लोग प्रिपेयर्ड हो ऑलरेडी, सो डोंट यू वरी। आराम से शांत दिमाग से एक प्लान क्रिएट करने की जरूरत है, जैसे कि अभी ये हमने किया है, ठीक है, हमने भी किया है, हमारे अंदर भी एंग्जाइटी हो जाती है कि नोटिफिकेशन आ जाता है, क्योंकि हर तरफ से हर कोई स्टूडेंट कॉल कर रहा है, कोई मैसेज कर रहा है, कोई यूट्यूब पे आ रहा है, तो बहुत सारे डाउट्स होते हैं। तो अपने एंग्जाइटी के लेवल को कम करो, आराम से शांत दिमाग से प्लान बनाने की जरूरत है और उसके ऊपर वर्क करने की जरूरत है। घबराने की कोई बात नहीं है, नोटिफिकेशन तो आनी है ना, एग्जाम तो देना ही है, ठीक है, और काफी टाइम से वी वर सेइंग कि भाई नोटिफिकेशन आने वाला है, तो आ गया है। तो अब आप लोगों को फोकस्ड होके सारी चीजें त्याग के, सब कुछ छोड़ दो, इस टाइम इंस्टाग्राम छोड़ दो, लिंक्डइन छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो रात में तो वो भी बंद कर दो कुछ समय के लिए, थोड़ा टाइम मांग लो उनसे, ठीक है, या कुछ अगर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं तो उनसे भी थोड़ा सा टाइम मांग लो कि भाई 2-3 महीने दे दो हमें पढ़ने के लिए, उसके बाद पूरी जिंदगी आपको जो करवाना हो करवा लेना, ठीक है, आरती उतारते रहना सारी जिंदगी अपनी गर्लफ्रेंड की, लेकिन अभी के लिए नहीं, अभी बस और बस फोकस होना चाहिए आपके एग्जामिनेशन के ऊपर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, आई होप द थिंग्स आर क्लियर। मेंटोरशिप प्रोग्राम के बारे में फिर से बता दूं, मेंटोरशिप प्रोग्राम में विल बी क्रिएटिंग अ सेपरेट टाइम टेबल विच विल बी गिविंग टू द एनरोल स्टूडेंट्स, चाहे पुराने हो चाहे नए वाले हो, सबको मिलेगा, चाहे वो क्रैश कोर्स ले रहा है या फिर पुराना स्टूडेंट है, सबको मिलेगा। उसमें टारगेट्स होंगे, कुछ टारगेट्स के थ्रू विल ट्राई कि आप लोग उन टारगेट्स को कंप्लीट करो। अगर उस टारगेट को कंप्लीट करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए हम हर हफ्ते बैठेंगे आप लोगों के साथ, हर हफ्ते एक वेबिनार टाइप का कंडक्ट होगा जिसमें आप लोगों के सवाल जवाब होंगे और जो भी सोल्यूशंस उनके बन सकते हैं, ऑल द सोल्यूशंस विल बी प्रोवाइड, ठीक है, एंड द होल आइडिया इज आप लोगों का एग्जाम क्लियर हो। एंड नाउ एक बात मैं बोल दूं चलते चलते कि अगर हम लोग इतनी मेहनत करने के लिए तैयार है, आपको लग रहा होगा कि यह सब बहुत आसान है, इट्स नॉट दैट ईजी फॉर अस ऑल्सो, ठीक है। अब आप समझो गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए अगर 500 क्वेश्चन की क्लास लेनी है तो 500 क्वेश्चन बनाने भी तो पड़ेंगे, या नेहा मैम को 3-4 घंटे की क्लास लेनी पड़ेगी, चेतन सर को भी ऐसी मेहनत करनी पड़ेगी। सो इफ वी आर डूइंग सच अ हार्ड वर्क फॉर यू गाइस, देन इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल टू सपोर्ट अस इन योर हार्ड वर्क, और फायदा आपका ही होगा, ठीक है, एग्जाम आपका निकलेगा, RBI में आप पहुंचोगे, मैं नहीं पहुंचूंगा, सर नहीं पहुंचेंगे, नेहा मैम नहीं पहुंचेंगे, कोई नहीं पहुंचने वाला हम में से। तो नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, हम जितना कर पा रहे हैं हम उतना करते रहेंगे, आगे कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। जिस भी तरीके की सपोर्ट चाहिए आप लोग बात कर सकते हो, हमारी टीम से बात कर सकते हो, अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है तो यू गाइस कैन कॉल ऑन 9999466225, इस नंबर पे आप बात कर सकते हो। आपको मेरे से कनेक्ट होना है तो आप टेलीग्राम पे आओ, इंस्टाग्राम पे आओ, @MashiManish MashyManish, देयर वी कैन डिस्कस ऑल योर प्रॉब्लम्स। बाकी जो एनरोल स्टूडेंट है उनके लिए मेंटोरशिप प्रोग्राम लॉन्च होगा, चिंता मत करो, बहुत अच्छे से फोड़ेंगे इस बार, छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है जी। तो ठीक है, फिर मिलते हैं, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो नोटिफिकेशन की वीडियो में मिलेंगे फिर। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।